कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। जैसा कि हम लोग आए हैं, आप लोग देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में, और आज है LLB 3 ईयर्स के बच्चों का एग्ज़ाम। तो चलिए बच्चों से जानते हैं कैसा क्या उनका एग्ज़ाम रहा, कैसा पेपर का मॉडर्न था। आपका कैसा हुआ? मेरा बढ़िया हुआ। कितना क्वेश्चन लगभग आपको लगता है कि आपने एकदम एग्जैक्ट सही किया है? 60-70। अरे तब तो बहुत बहुत अच्छा रहा है आपका। ठीक है, आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जो जो सर पढ़ाए थे, जो जो आपने पढ़ाया था सब आया था। जीके का तो एकदम बढ़िया वाला पहचानो सर को। जीके पूरा भाई प्रयाग सर, एक रात पहले पढ़ा था, पेपर फाड़ के आ गया हूँ। फोड़ के आ गए हैं। और बस इतना ही कहना है कि मतलब पोर्शन कम आया था, लेकिन जो मतलब मैथ का और रीजनिंग पोर्शन था वो ज्यादा आया था। आपका सर? हाँ सर, मेरा भी अच्छा ही गया। सर बस यही कहूँगा, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन उन्हीं के जो पढ़ के जाएगा। बिल्कुल भाई, एक नंबर। और सर आप मतलब आपका सर मैंने कोर्स लिया था सर, 699 वाला। अच्छा, वो वाला दो महीने पहले। तो पूरा कल्याण हो गया होगा आपका। ठीक, अगर पूरा पढ़े होगे तो कोई क्वेश्चन बाहर लेंगे, पढ़े होगे तब। जीके मतलब बेसिक जीके आया था, करेंट अफेयर नहीं आया था ज़्यादा। नहीं, जनरल साइंस आया था, कुछ होगा 5-7 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन याद है कुछ, मतलब जीके की अगर जनरल साइंस, कुछ जनरल साइंस में एक योगा डे, योगा डे मतलब डे इंपॉर्टेंट डे, तो अलग से वीडियो बनी थी कि इंपॉर्टेंट डे में, उसमें फर्स्ट वीडियो ह्यूमन बॉडी आया था एकदम। सही है, चलिए। मैं पढ़ा था इससे। अच्छा सर, तो एक और स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्टूडेंट्स हैं, बताइए सर आपका कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आपने तैयारी कहाँ से की थी? ये टारगेट गुरुकुल से, मैंने लास्ट टाइम ये देखा था लगभग। पेपर का अच्छा वेटेज बता सकते हैं कि किस पोर्शन से, मतलब किस कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन लगभग GS से भी अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि कहीं जल्दी रिपीट नहीं होते हैं। बाकी लास्ट के जो क्वेश्चन थे पॉलिटी से ठीक ठाक, यानी कि नॉन रिपीटेड GS के क्वेश्चन भी आपको देखने में यहाँ पर आए। आपका कैसा हुआ पेपर? मेरा पेपर सही रहा सर। चलिए, बहुत थैंक यू। पेपर बढ़िया गया है। अच्छा, वेटेज क्या रहा, मतलब किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया? साइंस से आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, और रीजनिंग आई थी, मैथ कम ही था, मैथ नामात्र था। अच्छा, मतलब पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन थे? पॉलिटी से था, लेकिन ज़्यादा साइंस से था। अच्छा, साइंस से। हाँ, पॉलिटी से और हिस्ट्री से भी कम ही देख रहे हैं। यानी कि वो GS का पोर्शन से क्वेश्चन आप बता रहे हैं ज़्यादा? GS, हाँ GS से ज़्यादा था। इकोनॉमिक्स से एक दो क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से आया था, और मैथ से नहीं था, रीजनिंग से था। चलिए, आपका अच्छा हुआ एग्जाम। हाँ, पेपर बढ़िया है। चलिए ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं, बताना चाहेंगे आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कैसे क्वेश्चन आए थे? ठीक थे क्वेश्चन, थोड़े मतलब नॉर्मल भी थे, अच्छे भी थे, थोड़ा तो रहते ही बाकी। ओके, वो हेल्पफुल रही आपके लिए? लास्ट में यहाँ तक के रही तो अच्छी खासी रही। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर को भी। थैंक यू। मिले हैं क्या सर, क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं? हाँ, वो क्वेश्चन समय बच गया था तो हमने सोचा वही नोट कर लें। मतलब आपको समय मिल गया लिखने के लिए? जी, हमारा एक घंटा में कर दिया, क्योंकि जो आता नहीं सब भगवान का नाम लेकर लगाते रहे, 1, 2, 3, 4 ABCD। ऐसा सर कुछ बच्चों कहना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस में एरर थे, तो आपके पास कितने क्वेश्चन था? एक था उसका रीजनिंग का नहीं था, मतलब गणित का था, उसमें दूसरे सिंबल थे, उस पर मल्टीप्लाई करना है, सिंबल पर सिंबल का चेंज करना था, उसमें पूरा योग हो रहा था 85, और 85 को 72 से घटाने पर 13 बच रहा था शेष, लेकिन उसमें ऑप्शन था 23, 36, 25, 24, तो उसमें 23 अधिकतर लोगों ने किया। क्लियर मतलब दिख रहा है भाई कि क्वेश्चंस में एरर बच रहा है, लेकिन उसमें 23। हाँ, तो उसमें क्या होता है, क्या विश्वविद्यालय के हर यूनिवर्सिटी का रूल होता है, कोई क्वेश्चन बाद में ये वेरीफाई होता है क्वेश्चन गलत है, उसके सारे ऑप्शन को ऑल कर दिया जाता है, तो जो क्वेश्चन होता है उसका आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, उसका क्वेश्चन आप गलत भी किए तो भी उसका नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन दूसरी बात, एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस लिखते हैं विश्वविद्यालय वाले, सिलेबस को थोड़ा और ब्रीफ करना चाहिए। हाँ, मतलब ये मतलब हमेशा से रहा है बच्चों का सिलेबस है, और IIT JEE मेंस और नीट जैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट का बायोलॉजी वाला क्वेश्चन था, जनरल साइंस का। हाँ, जनरल साइंस का नीट में उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते जिस प्रकार से इसमें थे LLB में। अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? अब हम अगर याद कर पाए तो उसमें अरे विटामिन से क्वेश्चन, ये तो इजी हो जाए, बेरी बेरी रोग के किस विटामिन से होता है, तो हमने बी वाला टिक कर दिया। आप सही हो या गलत हो, ये भगवान, मतलब बी वाला सही कर दिया। अब ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन में क्या है? हाँ, उसमें हम नहीं, वो बाकी हमने लगा दिया है ऑप्शन सी जो बी वाला था वहाँ पर। उम्मीद है कि आगे से नहीं करेंगे ये लोग, है ना? उम्मीद है बाकी आप लोग अगर सहयोग देंगे तो शायद ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। शाहरुख खान, तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ है, आपको बढ़ा हुआ है सारा। अच्छा, तैयारी आपने टारगेट गुरुकुल से ही की थी? हाँ, टारगेट गुरुकुल।
SSC का भी करता हूँ और रेलवे का भी तैयारी चल रहा है। अच्छा, मतलब किस पोर्शन से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे गए थे? GK से तो ज़्यादा थे। GK से? स्टैटिक GK। हाँ वही, मतलब साइंस GS जनरल मिला के पॉलिटी से थोड़ा कम था। ब्रिटिश करंट से भी दो तीन क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, आपका कैसा हुआ? मेरा ठीक हुआ है, 90 के करीबन, 85-90 के करीबन हो जाएगा। चलिए बहुत। अच्छा, ये क्वेश्चन था ना, तो विभाग से ही गलत है ये। अच्छा, तो तेरा आंसर आ रहा है। हाँ वो सर, आपका नाम? विवेकानंद गौतम है। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ। किस पोर्शन से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे गए थे? वेटेज किसका ज़्यादा था? वेटेज पर GS का सबसे ज़्यादा। जनरल साइंस का? अच्छा, आपका कैसा हुआ एग्ज़ाम? ठीक हुआ। क्वेश्चन का लेवल क्या था? टफ था, हार्ड था या मॉडरेट? ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम लेवल का। मीडियम था। हाँ चलिए ठीक है। आपका कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। चलिए चलिए, थैंक यू। विशाल सिंह। आपका नाम? विशाल मणि त्रिपाठी। अच्छा, पेपर कैसा हुआ आप दोनों लोग का? पेपर तो ठीक गया है जो है, मेरा हो रहा है। क्वेश्चन कुछ गलत आ गए थे और क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अभी कुछ बच्चे लिख के भी लाए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन गलत थे। पहली बात तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत था, जिसमें वो साइन वाला था, एडरेट का वो जोड़ घटाना टाइप वाला, उसमें आंसर 13 आ रहा था और उसमें ऑप्शन में नहीं था, वो एक ऑप्शन में नहीं था और बाकी नहीं। बाकी जो सिलेबस विश्वविद्यालय ने दिया था उसी के अकॉर्डिंग पूछा या फिर सिलेबस के बाद? पॉलिटी जो अलग से ऐड किया ना सिलेबस में, पॉलिटिक्स क्वेश्चन नहीं थे उतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने क्वेश्चन ज्योग्राफी और साइंस से ज़्यादा, साइंस जनरल साइंस थी। जनरल साइंस और ज्योग्राफी। कुछ क्वेश्चन आपको याद है पॉलिटी या जनरल साइंस के? कुछ जनरल साइंस क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन हमारे ख्याल से 3 क्वेश्चन लगभग गलत था जो है साइंस का, जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बना दिए थे। अच्छा अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या? नहीं सर, उसमें तुम्हारा जो ज्योग्राफी में है उसमें राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए थे 2, ठीक है, और नाम भूल गए, ताडोबा था एक। हाँ, मतलब राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन थे, उद्यान से 2 थे, और उसके अलावा साइंस से भी वो बीमारियों से पूछ लिए थे, कौन सा रोग किस चीज़ से होता है। हाँ, मतलब वहाँ पे कुछ विटामिन से भी क्वेश्चन होंगे। विटामिन वो वेरी वेरी रोग पूछा था, किस विटामिन से होता है, ये सब थे। सब मिला मतलब कितना लग रहा है, कितने क्वेश्चन लगभग आपको सही हो जाएंगे? 65। आपका? हमारा लगभग 85 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 85 क्वेश्चन, मतलब कि टॉपर, मतलब टॉपर लिस्ट में जाने वाले हो। पेपर कैसा हुआ सर? पेपर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ सर। रीजनिंग इजी था, GK थोड़ा मॉडरेट लगा था। रीजनिंग कौन पढ़ाता है आपको? रीजनिंग मैं पढ़ाती हैं। मैम पढ़ाती हैं, मैम को जानते हो, मैम को नहीं भूलोगे। उनके अकॉर्डिंग जो रीजनिंग को पढ़ाई थी उससे क्या लग रहा है आपको? उसके हिसाब से बहुत इजी था पेपर। पेपर इजी था, मतलब बरिश था, बहुत हार्ड पेपर नहीं आया था, तो ये सही बात है जी। हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं था। आज विश्वविद्यालय ने कोई खेल नहीं किया आपके साथ, ठीक है। बाकी अभी हम लोग पिछले 2 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय पेपर को हार्ड बनाते हुए जा रहा था, लेकिन आज देख रहा है कि पेपर मतलब एवरेज बनाया हुआ है। एक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो, तब तो आपको आसान लग रहा होगा। ज़्यादा तो नहीं पढ़े थे। कितना नहीं पढ़े थे? बस नॉर्मली एवरेज में पढ़े थे। एवरेज में पढ़े थे, तभी पेपर आपको आसान लग रहा है जी। तो सर ये बताइए, टारगेट बिल्कुल से आपने पढ़ा है, कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़े हो हमारे प्लेटफॉर्म से? हम पढ़े तो सब हैं, पर GK पे ज़्यादा ध्यान नहीं थे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़े थे वो इजी था, रीजनिंग पढ़े थे वो भी इजी था, लेकिन था इजी था। चलिए बढ़िया। क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे? वही लगभग एवरेज 75-80। 75 मतलब पक्का 75 सर? अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? एकदम मतलब आप एकदम रैंक में जा रहे हो। रैंक ये सर 80% चार्ज बनता है। चलिए धन्यवाद। बाकी तो कोई दिक्कत हो काउंसलिंग में, कभी भी कोई समस्या, नंबर है ना आपका जी सर, तो नंबर आप तुरंत उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, कोई दिक्कत, ठीक है। थैंक यू।